नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? ठीक है, परिमिति यानी कि परिमाप, यह हमें इसमें बताना है। कोई भी जैसे हम एक त्रिभुज बना लें, ए बना लिया हमने, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, तो जो इसकी जो भुजाएं हैं उनका हमें अनुपात दिया है। जब अनुपात देते हैं तो हम भुजाओं को मानते हैं। कैसे मानेंगे? हम यहां लिखेंगे माना भुजाएं। ठीक है, अब भुजाएं जिस अनुपात में होती हैं हम उसमें x लगा देंगे तो हमारी भुजाएं निकल आएंगी। यानी जो भुजाएं हैं वह 3x, 4x और 5x हैं। ठीक है, हमने यह मान लिया कि जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं 3x, 4x और 5x हैं। अब हमें किसी भी त्रिभुज का सूत्र निकालने का एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यह एक सूत्र होता है। अब एस क्या कहलाता है? एस का खुद एक सूत्र होता है। एस का सूत्र क्या होता है? जो तीनों भुजाएं होती हैं, यानी कि जो इस त्रिभुज के लिए अगर हम देखें 3x, 4x और 5x, इन तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग लगा दो, यह होता है S। ठीक है, S को हम कहते हैं आधा परिमाप। ठीक है, यानी ये हमारा परिमाप है, परिमाप का आधा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 4, 9, 3, 12 12x बटे 2, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 6x। ठीक है, तो हमने जब इसको निकाला तो इसका अर्ध परिमाप यानी कि s s की वैल्यू निकली 6x। अब यहां पर हम रख देंगे रूट के अंदर, यहां रहेगा 6x, s की वैल्यू 6x है, माइनस a पहली भुजा कितनी है 3x, फिर यहां 6x माइनस b, b की भुजा कितनी है 4x, और फिर 6x माइनस 5x। ठीक है, ये हो गया, यहां हो गया 6x, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3x, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x, और 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 6x। ठीक है, अब यहां पर गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 2 36 रूट के अंदर 36 और x 4 बार आया तो x की पावर 4 हो गया। जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 36 का 6 निकलेगा, एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 2 निकलेगा। उसने हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था, कितना दिया था 216। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को इसके नीचे ले जाएंगे, यहां लगा लेते हैं 6x² = 216। तो x² = 216/6, 6 से काटेंगे 6 3 18 और बचा 3 6 6 36, यानी x² = 36 तो x = 6। ठीक है, अब हमारी x की वैल्यू 6 निकल आई। हमें निकालना क्या है? इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा? त्रिभुज का परिमाप यानी कि जो तीनों भुजाओं की लंबाई है उसको हम जोड़ दें, तीनों भुजाएं कितनी है 3x, 4x और 5x। ठीक है, तो 5 4 9 3 12, तो यहां हो जाएगा 12x, 12 × 6 = 72। अब परिमाप है, ठीक है, तो परिमाप काय में ही आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकल के कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हमको इसका निकालना है। हमने क्या किया कि जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया था उसमें x लगाया,
तो हमारी भुजाओं की लंबाई निकल आई 3x 4x और 5x। फिर s का फॉर्मूला लगाया, s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो हमने तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया जो कि 6x आया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, सबकी वैल्यू रख दी। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था प्रश्न के द्वारा 216, तो हमने यहाँ पर 216 रख दिया। तो हमें x की वैल्यू निकल के आई 6। जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमने त्रिभुज का परिमाप निकाला, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग या बाहरी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होंगी, तो तीन भुजाओं का योग निकलेगा, तो 3x 4x और 5x, यहाँ हो गया 12x, 12x की वैल्यू रखी 6, तो 12×72 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल PK गुरुजी के साथ। नमस्कार।